हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इंडिया के टॉप 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। क्रैक ऑल टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों हम सब लाइव हुए हैं, या हम लोग ये जो दीपावली के बीच में जो क्लासेज आपको मिल रही हैं, जो टॉपिक वाइज आपको क्लासेज मिल रही हैं, अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में मेजरमेंट एंड एवलुएशन, मापन और मूल्यांकन, एक नया टॉपिक शुरू किया है जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सब इस पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर पहला वीडियो मापन और मूल्यांकन का देखा होगा तो आपको आगे क्या पढ़ना है, मैंने वहाँ बता दिया था लास्ट में कि मुझे इस वीडियो में मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, या फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, किसने और किस प्रकार के मूल्यांकन को डिफाइन किया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट की क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो पहले थोड़ा बहुत आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं कि मेरा नाम अतुल त्रिपाठी है। मेरे पास पिछले कई वर्षों का एक अनुभव टीचिंग का, खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपके पेडागोजी बेस्ड में आते हैं सारे एग्जाम में। जैसे CTET देखें तो CTET में जो भी साइंस, मैथ्स, EVS जो भी पेडागोजी थी, मैं उस पेडागोजी को देखता हूँ। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो आखिर ये इंडिया का टॉप 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यों है और इसे क्यों ज्वाइन करें, तो इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन कि यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलता है। पूरा का पूरा लाइव टेस्ट एंड क्विज का प्रोसेस है, आप इससे जुड़ सकते हैं। फुली स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको बेस्ट प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन में मदद करता है। अनलिमिटेड एसेस, आप जिस भी डिवाइस में सब्सक्राइब किए होते हैं वहाँ पर आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेज एक से अधिक बार देख सकते हैं। इंडिया के इस टॉप 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की फ्री लाइव क्लासेस देखने का एक मौका मिलता है। अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ देखिए कोर्स स्टार्ट में देखें तो आपका CTET पेपर सेकंड में आपका कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी की बात करें तो क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी, और बहुत ऐसे कोर्सेज जो रिसेंटली स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब रिसेंटली अभी स्टार्ट होने वाले हैं। कंप्रेसिव सिलेबस के अंतर्गत देखें तो कंप्रेसिव सिलेबस के अंतर्गत CTET पेपर फर्स्ट में 33 कोर्सेज, CTET पेपर सेकंड में 19 कोर्सेज, UPTT पेपर सेकंड में 18 कोर्सेज एंड SuperTET के अंतर्गत 13 कोर्सेज इंक्लूड है, जिसके अंतर्गत ये सारे विषय चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, EBS है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, कंप्यूटर और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का क्या क्या एडवांटेज है मेरे भाई, क्या क्या एडवांटेज है, तो आपको बताएं कि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा शेड्यूल्ड वही आपको पूरा वर्क प्लान होता है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पर आप एक से अधिक लैंग्वेज में क्लासेस को देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल और ऐसे अदर 12 लैंग्वेज में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। लर्निंग एनी टाइम एनी वेयर, आप एक से अधिक बार क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने एजुकेटर से आपको बराबर इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जिस भी एजुकेटर्स की आप क्लास कर रहे थे उससे आप बराबर इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंगेज कर सकते हैं किसी डिस्कशन में, बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपना आंसर लाइव पोल दे सकते हैं। साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज का प्रोसेस है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी डिटेल रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन की एनालिसिस कर सकते हैं आप, और पूरा का पूरा लर्निंग मटेरियल भी आपको PDF के फॉर्म में यहाँ अवेलेबल मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है, इंडिया का यही एक सबसे पहला और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं पूरे लर्निंग मटेरियल को PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करने का बात करता है। आप जो भी क्लास करते हैं उस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। तो अगर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना है, तो कौन सा सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, कौन सा बेस्ट होगा, तो आपको बताएं। वैसे तो एक मंथ से शुरू होकर और 24 मंथ तक बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन एक बेस्ट प्लान 12 मंथ और 24 मंथ का है।
12 मंथ के लिए वैसे तो आपको 6,000 पे करने होते हैं, लेकिन अगर आप हमारा ये सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप 6,000 नहीं बल्कि आपको पे करना होगा 5,400 रुपये। साथ साथ एक 24 मंथ का कोर्स है जिसके लिए आपको पे करना होता है 7,200 रुपये, लेकिन अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अतुल यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, और डिस्काउंट के साथ आपको पे करना होता है 6,480 रुपये। तो अगर देखा जाए मेरे भाई, तो ये दो बहुत अच्छे बेस्ट ऑफर हैं, 10% डिस्काउंट के साथ ये ऑफर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में मुझे बहुत सारे मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य हैं हमारी, उस पर चर्चा आपसे होगी। तो हम लोग एक सेकेंड पहले हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे, तब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे ना। पहले प्रश्न चर्चा करके पहले हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, फिर हम लोग जो जो प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को एक बार फिर से उस पे चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट की क्लास को पहले थोड़ा सा आपको मेमोराइज करा देते हैं कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, उस टॉपिक का नाम था मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड एवलुएशन, है ना। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन भी लिख सकते हैं आप इसी को, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये लिखें ज़्यादा अच्छा है। आप इंग्लिश में लिखेंगे एजुकेशनल एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, ठीक। देखिए शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में हमें किस किस पॉइंट पे चर्चा करना है, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये मापन और मूल्यांकन में इन दोनों का अर्थ क्या होता है, मापन किसे बोलते हैं, साथ साथ मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, अलग अलग आपको पहले जानना है कि जो नंबर्स बेस्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, जो सिचुएशन बेस्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, जिसके अंतर्गत किसी एक पक्ष की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत एक से अधिक पक्षों की बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीक। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा केवल और केवल ऐसी चीज़ों का पता करते हैं जो मेजरेबल हो, वो क्या कहलाता है। तो ये मापन मूल्यांकन के अर्थों पर चर्चा करेंगे कि मापन और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। साथ साथ जब आप मापन मूल्यांकन का अर्थ पढ़ लोगे तो हम आपको सिखाएंगे कि इस मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है। तो आपको मैंने ऐसे बहुत सारे अंतर बताए, याद करो लास्ट की क्लास को, तो मैंने आपको बताया कि मापन जो होते हैं वो किसी एक गुणचर के बारे में व्यक्त करते हैं, लेकिन मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है। हमेशा मूल्यांकन मापन मूल्यांकन से पहले होता है, लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद होता है। मापन अंक आधारित होता है, मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है। मापन के द्वारा किसी तथ्य या घटना के विभिन्न परिणामों के कारण प्रतीक चिन्हों हम लोग इसको निश्चित करते हैं, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा हमने कहा घटना तथ्य का मूल्य आदि का हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों ने मापन मूल्यांकन में अंतर पढ़ लिया, मापन मूल्यांकन का अर्थ था ये क्या पढ़ लिया। मैंने कहा था इसके बाद के टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है, इसके बाद के टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, हम मूल्यांकन क्या करें, मूल्यांकन क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमें इस पर चर्चा करना है। और उसके बाद जितना भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, या फिर आप कह सकते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो NCERT के द्वारा लाया गया, जो लागू किया गया, कि बच्चों का जो मूल्यांकन हो वो सतत एवं व्यापक हो, CCE कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेसिव हो, तो इसके बारे में जानेंगे। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कितने पक्ष होते हैं, इन सभी पक्षों के बारे में जानकारी करेंगे। साथ साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, दृष्टिकोण से मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार हैं, इन पर भी हमारी चर्चा आपसे होगी।
पूरी डिटेल चर्चा होगी, तो जल्दी से हम सभी लोग इन चीज़ों को पेन और कॉपी आप अपने साथ उठा के रखिए, है ना। ठीक है, तो पेन और कॉपी अपने पास रखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए उद्देश्य पे चर्चा करना शुरू करते हैं कि मापन मूल्यांकन का क्या उद्देश्य, तो हेडिंग बना लेते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ एवलुएशन, क्या क्या उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के, हमको इसके बारे में करना है। तो हम कहते क्या हैं कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, हम मान सकते हैं, सर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखें कि शिक्षा जो हमारी होती है वो एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया होती है। दुनिया का वैसे सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप सुनते हो या कोई भी कार्य आप करते हो, सबका एक उद्देश्य होता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ना, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य बालकों के व्यवहार या व्यक्तित्व के पहलुओं के बारे में बताना होता है। ठीक है, जितने भी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनमें मुख्यतः हम तीन उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं, इसलिए एक लैंग्वेज लिखिए, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका आप कह सकते हैं कि इसका अंतिम है ना लक्ष्य, इसका अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य व्यवहार में उसके व्यक्तित्व के कार्य, व्यवहार में उसके व्यक्तित्व के कार्य पक्ष या पहलू सम्मिलित होते हैं। कोई भी कार्य पक्ष या पहलू सम्मिलित होते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे पहलू सम्मिलित होते हैं ना, बहुत सारे पहलू सम्मिलित होते हैं। मुख्यतः हम कितने भागों में बांटे जाते हैं, तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं या सम्मिलित होते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं मुख्यतः, जिसमें मुख्यतः तीन भाग होते हैं। ठीक, क्या क्या, तो देखें अगर मूल्यांकन के उद्देश्य क्या, क्या क्या उद्देश्य हैं अगर इसके बारे में देखें, तो मैंने कहा मूल्यांकन के मुख्यतः कुल कितने उद्देश्य होते हैं, तो कुल कितने उद्देश्य होते हैं, तीन उद्देश्य होते हैं, है ना, कितने उद्देश्य होते हैं, तो तीन उद्देश्य होते हैं। पहला कौन, पहला कौन सा है, तो कॉग्निटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानात्मक। दूसरा कौन सा है, अफेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं भावनात्मक। तीसरा है एथलेटिक या साइकोमोटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक। इसी को जब हम लोग कोई भाषा पढ़ते हैं, है ना, तो यही लिखा होता है संज्ञानात्मक, इसी का दूसरा नाम, इसका नाम लिखा होता है, इसका तो भावनात्मक ही हर जगह आपको मिलता है, कॉग्निटिव अफेक्टिव। साइकोमोटर की बात करें, क्रियात्मक की बात करें, तो यहाँ पर एक नया नाम मिलता है कौशलात्मक। ये केवल भाषा में आपको मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे कि क्रियात्मक की जगह कौशलात्मक।
अब इस ज्ञानात्मक के अंतर्गत कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं, भावनात्मक के अंतर्गत कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं, और कौशलात्मक के अंतर्गत कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं, ये जानना है। तो आपको बताएं इस ज्ञानात्मक के अंतर्गत टोटल कितने पक्ष, तो 6 पक्ष सम्मिलित हैं। कुछ भावनात्मक के अंतर्गत हैं, कुछ क्रियात्मक के अंतर्गत। सबका एक एक नाम अगर आप लिखना चाहो तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत जो सबसे पहला पक्ष है वो कौन है, ज्ञान। ठीक है, सबसे पहला क्या है तो ज्ञान, दूसरा क्या है बोध, तीसरा क्या है अनुप्रयोग। आप लिख सकते हैं सबसे पहले को नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, है ना, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन आप लिख सकते हो, अप्लाइड लिख सकते हो, कुछ भी, एप्लीकेशन। चौथा विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसके बाद कौन सा, विश्लेषण। पांचवा कौन सा, संश्लेषण। छठवा कौन सा, तो मूल्यांकन। ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये विश्लेषण को हम लोग यहीं पर क्या बोलते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस। संश्लेषण को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। इसको तो आप जानते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 6 पक्ष होते हैं, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक के पक्ष होते हैं। अब यहां देखिए ज्ञान है ना, तो ज्ञानात्मक, ज्ञान मतलब जानना, बोध मतलब किसी चीज को समझना, है ना। अनुप्रयोग मतलब जब आप कोई चीज जान जाए, समझ जाए, अनुप्रयोग मतलब उसका प्रयोग, आप किस कहीं प्रयोग करने लायक हो जाए। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, संश्लेषण का मतलब जोड़ना, किसी चीज को आप तोड़ कर जान पाए, फिर उसको आप संश्लेषण जोड़ लें। जैसे हमने कोई शब्द लिखा, जैसे मान लो अधिगम लिखा, तो अधिगम को आप 2 भागों में तोड़ पाए, अधि और गम, दो समझाने के लिए, है ना, या समझने के लिए। जब एक शिक्षक बच्चों को समझाने के लिए इन ज्ञानात्मक उद्देश्य का पालन करता है, या फिर आप एक छात्र होने के नाते जब उद्देश्य का पालन करते हैं, तो जब किसी चीज को आप तोड़ कर पढ़ते हैं तो विश्लेषण, और तोड़ने के बाद जब अर्थ निकालते हैं तो ऊपर कहता है संश्लेषण, जोड़ना, लास्ट में जो पक्ष आता है वो मूल्यांकन। तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। आप देखिए भावनात्मक के मुख्य कितने पक्ष होते हैं, तो भावनात्मक के मुख्यतः ये 5 पक्ष के बारे में हम लोग करते हैं। एक्सेप्ट, ग्रहण करना, है ना, जिसको आप बोलते हैं एक्सेप्टनेस, जिसको आप कहते हैं एक्सेप्टनेस, ग्रहण करना। ठीक है, या रिसीविंग भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट ही लिख दीजिए, ग्रहण करना,
दूसरा है ना, दूसरा अनुक्रिया करना, अनुक्रिया करना है ना, रिस्पॉन्स है ना, तीसरा मूल्यांकन है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं, वैल्यूइंग, मूल्यांकन। चौथा क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। चौथा क्या बोलते हैं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाद छठवां है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। पांचवा जो लास्ट वाला है इसमें वो है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। जिसके आप बोलते हैं करेक्टराइजेशन वैल्यू। कुल मिला के मूल्यांकन के कोई तीन उद्देश्य होते हैं, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक के अंतर्गत ये पांच या छह पक्ष होते हैं। जब एक शिक्षक कभी शिक्षण कार्य करने जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। और जब आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक होने के नाते अगर किसी बच्चे का कोई मूल्यांकन करना चाहते हैं तो जैसे हम लोग शिक्षा के दौरान तीन उद्देश्य ध्यान में रखते हैं, वैसे मूल्यांकन के दौरान भी यही तीन उद्देश्य ध्यान रखते हैं। ठीक है, भावनात्मक में ग्रहण करना में आप देखिए, जैसे आप तीनों पक्ष में देखिए, ज्ञानात्मक मतलब किसी चीज को जानना, उसको अर्थ ग्रहण करना, फिर उस पर प्रयोग करना, फिर उसका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मतलब ज्ञानात्मक के अंतर्गत ये छह पक्ष होते हैं। छह पक्षों में ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावनात्मक के अंतर्गत एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्स, मूल्य, संगठन और मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। ये कितने पक्ष हैं, तो पांच पक्ष किसमें है, तो भावनात्मक। क्रियात्मक में अगर देखें तो क्रियात्मक में जो पक्ष है वो इसमें सबसे पहले क्या आता है, तो उत्तेजना, उत्तेजना है ना। उत्तेजना के बाद इसमें आता है क्या, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंट, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंट है ना। इसके बाद आता है नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण। नियंत्रण के बाद फिर आता है यहां पर समायोजन, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट के बाद जो अगला आता है वो समाविष्टीकरण, समाविष्टीकरण। और अगला आदत या व्यवहार, पांचवा जो है वो आता है हैबिट, आदत या व्यवहार। कुल मिला के क्रियात्मक उद्देश्य की बात करें तो क्रियात्मक कुल मिला के क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत देखें तो इसमें उत्तेजना है ना, उत्तेजना, जितने भी इम्पल्सन है वो क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंट, एडजस्टमेंट और समाविष्टीकरण, समाविष्टीकरण, एसिमिलेशन और आदत व्यवहार। जैसे आपके पेपर में यहाँ से एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न बनता है कि जब कोई बालक समाज में जब कोई बालक समाज में उनके अनुसार, समाज के अनुसार, समाज के लोगों के अनुसार,
किसी विषय में उस विषय के अनुसार, किसी भी विद्यालय में उस विद्यालय के अनुसार जब अपने आप को एडजस्टमेंट करता है तो या कौन सा मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य होगा तो समायोजन। या पूछा जाए एक शिक्षक बच्चों से कोई प्रश्न पूछता है तो बच्चा उस प्रश्न को समझ कर उस सही ढंग से आंसर कर लेता है, अर्थात शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो क्रियात्मक। ऐसे तो पॉइंट यही पूछ लेता है कि ज्ञानात्मक के अंतर्गत कुल कितने पक्ष होते हैं तो आपको बताना है छः। पूछ लेता है कि विश्लेषण संश्लेषण किसके अंतर्गत आता है तो ज्ञानात्मक भावनात्मक है। ठीक है, भावनात्मक में पूछ लेता है कि जब आप किसी चीज का कोई संगठन निर्माण करते हैं या किसी चीज का किसी किसी भी चीज का आप कहते हैं कि मूल्य निर्धारण करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? भावनात्मक। क्रियात्मक में उत्तेजना, क्रियान्वयन, समायोजन, समाविष्टीकरण और आदत निर्माण, ये इतने आते हैं, ये इतने आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप जब इसके बाद ये पढ़ोगे उद्देश्यों में, अगर आपने सही ढंग से देखा तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत ये छह उद्देश्य जो आए, ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी के अंतर्गत जब मूल्यांकन के उद्देश्य निर्धारित किए गए तो लोगों का मूल्यांकन करने के लिए यही तीन पक्ष हमेशा चुना जाता था, लेकिन समय बदला, NCERT आई तो मूल्यांकन का एक सबसे अच्छा तरीका बताया, और वो मूल्यांकन क्या है? सतत एवं व्यापक। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आइए इसके बाद इसी को आप CC के नाम से जानते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अगर दो भागों में आप तोड़िए अपने आप तो इसका मतलब समझ में आएगा। जैसे मूल्यांकन का मतलब तो जानते हो कि मूल्यांकन का मतलब जांच पड़ताल, ठीक ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर आप इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दें तो एक तरफ हम लोग लिख सकते हैं सतत मूल्यांकन, दूसरा व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन और दूसरी तरफ लिखते हैं व्यापक मूल्यांकन। ठीक, अब इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सतत मतलब तो लगातार है ना, सतत शब्द का यहां अगर मतलब देखो तो सतत मतलब क्या होता है? लगातार, मतलब ऐसा मूल्यांकन जो लगातार चले वो सतत मूल्यांकन। लेकिन जो व्यापक और जो ये लगातार चले, और इसमें भी हम सतत मूल्यांकन को तीन भागों में बांटकर समझते हैं, जिनमें सबसे पहला मूल्यांकन है, कल जो सबसे पहला मूल्यांकन है जो सबसे पहला मूल्यांकन इसके अंतर्गत आता है लगातार चलने वाला, उस लगातार चलने वाले में सबसे पहला मूल्यांकन करने का तरीका है निदानात्मक और उपचारात्मक। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन किसे बोलते हैं, है ना। दूसरा देखो रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, और तीसरे को बोलते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन, कलेक्टिव इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के ये तीन प्रकार, निदानात्मक, उपचारात्मक, रचनात्मक और संकलनात्मक, है ना। ठीक है, तीनों के बारे में अभी समझ लेते हैं। पहले जिस प्रकार सतत मतलब लगातार मूल्यांकन, मतलब जगह लगातार जो चलने वाली प्रक्रिया, मतलब ऐसा मूल्यांकन जो लगातार चलते हैं उसे सतत मूल्यांकन,
सतत मूल्यांकन करने के तीन तरीके, सबसे पहला निदानात्मक उपचारात्मक, दूसरा रचनात्मक और तीसरा संकलनात्मक। अभी तीनों को समझते हैं। व्यापक शब्द का मतलब देखो क्या होता है, व्यापक शब्द का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत। ठीक है, व्यापक का मतलब होता है क्या, विस्तृत। तो इसमें हम केवल और केवल जो जितने भी ये तीनों उद्देश्य पढ़े थे मूल्यांकन के, जो तीनों उद्देश्य पढ़ते वो तीनों उद्देश्य सम्मिलित होता है। तो एक हो गया ज्ञानात्मक और दूसरा भावनात्मक और तीसरा क्या हो गया, क्रियात्मक। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन के स्तर ये तीन होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है निदानात्मक और उपचारात्मक, क्या होता है रचनात्मक, क्या होता है संकलात्मक। देखो इतनी सी बातें, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सीख लीजिए। हाँ, शिक्षा का हमने क्या बताया कि मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत ये शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षा का सफल संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शिक्षा के अंतर्गत जो जिस भी कार्य का संचालन होना चाहिए कि मैनेजमेंट से लेके प्रबंधन से लेकर और क्लास प्रोग्राम तक के जो भी कार्य है वो सफल से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। तो मूल्यांकन के ये तीन उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मूल्यांकन में तीन पक्ष सम्मिलित होते हैं, जिसमें से पहला है मूल्यांकन में मुख्यतः ये 6 पॉइंट आते हैं ज्ञानात्मक के अंतर्गत। तो ज्ञानात्मक में ये कौन कौन, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ठीक है। और जो भावनात्मक होते हैं, भावनात्मक के अंतर्गत ये 5 पक्ष। भावनात्मक का मतलब वैसे भी होता है भाव ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, जैसे ज्ञान का मतलब जानना, बोध का मतलब जो जाने उसे समझे, अनुप्रयोग का मतलब जो समझ पाए उसको प्रयोग करें, विश्लेषण का मतलब चीजों को तोड़कर सरल बनाना, संश्लेषण का मतलब जो चीजें हमने तोड़ी उसको जोड़ कर किसी अर्थ का निर्माण करना, और मूल्यांकन ये अंतिम पक्ष होता है। भावनात्मक में ऐसे भावनात्मक मतलब भाव ग्रहण करना, अर्थ किसी भी चीज को जानने के बाद उसका अर्थ ग्रहण करना, वो भावनात्मक कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो जब आप किसी का भाव ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब किसी चीज को हम भाव समझते हैं तो उसका मतलब अर्थ ग्रहण करना। तो पहला है ग्रहण करना, दूसरा क्या है अनुक्रिया करना, जो हमने ग्रहण किया उस पर रिस्पॉन्स देना है ना। तीसरा है मूल्यांकन, कि जैसे हमने जो सीखा उसके बारे में ये पता लगाते हैं कि हमने जो कितना सही कितना सही गलत है ना। तो किसी की वैल्यू को आंकना, वैल्यूइंग करना, वो भावनात्मक उद्देश्य कहलाता है। संगठन चौथा आता है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, किसी भी चीज को जो हमने सीखा उसी का कलेक्शन करना, उस डाटा का कलेक्शन करना, ठीक है। तो संगठन का मतलब जो चीजें हमने सीखा उसको ग्रहण करना, मूल्यों द्वारा विशिष्टीकरण, जब हमने किसी चीज को सीखा तो उसको एक एक्सेप्टेंस कर दें, उसको हम ये जान लें, उसका हम ये कर लें कि एक विशिष्टीकरण निर्धारण कर दें कि क्या कितनी चीजें सही थी कितनी चीजें गलत थी, इतने सीख पाए। ठीक है, क्रियात्मक में अगर देखें तो क्रियात्मक में आते हैं उत्तेजना, क्रियान्वयन, समायोजन, समाविष्टीकरण और आदत। तो जब हम कोई चीज जान जाते हैं, ज्ञानात्मक का मतलब हम जान गए, भावनात्मक मतलब जब भाव ग्रहण कर लिए, ग्रहण कर लिया, उस पर अनुक्रिया देना शुरू किए, उसको मूल्य आंकना शुरू किया, और फिर संगठन, तब मूल्यों द्वारा विशिष्टीकरण, है ना। ये 5 पक्ष भावनात्मक वाले हो गए। क्रियात्मक में जैसे पहुंचते हो तो वहां पर आप जब कोई चीज सीख जाते हो तो उसमें आपको बताने या काम को करने की इच्छा होती है, तो उत्तेजना है ना, किसी भी कार्य को करने की जब आपको इच्छा, जैसे आपने कोई चीज सीख लिया तो उसको बताना, उसको बोलना आपको अच्छा लगता है, तो ये उत्तेजना। क्रियान्वयन, उस पर कोई कार्य करना, कोई समायोजन, अपने आप को उसी के अनुसार एडजस्टमेंट कर लेना जो सीखा, जिसका अर्थ ग्रहण किया। समाविष्टीकरण है ना, जब आपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कहीं एडजस्टमेंट करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को समाविष्टीकरण बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समाविष्टीकरण बोलते हैं। ठीक है, समाविष्टीकरण बोलते हैं। तो ये कर लेना,
और उसके बाद फिर आदत और व्यवहार, अपने व्यवहार में उसी को उसी तरीके से ढाल लेना, अपने व्यवहार में उसको उसी तरीके से ढाल लेना जिस तरीकों से सीखा, तो एक प्रकार से वो कहलाता है क्या? एक प्रकार से वो कहलाता है क्या? आदत या व्यवहार। ठीक, तो ये मूल्यांकन के ये तीनों उद्देश्य हमने कहा। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में ये भी बताया कि सतत मूल्यांकन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। सतत मतलब लगातार, वैसे तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिनमें से सतत मूल्यांकन अगर देखें, सतत मूल्यांकन अगर देखें तो सतत मूल्यांकन में आपने ये कहा कि एक ऐसा मूल्यांकन जो लगातार चलता रहता है, जिसमें ये तीन आते हैं। एक आता है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक। तो निदानात्मक एक ऐसा मूल्यांकन है जिसके द्वारा हम कमियों का पता लगाते हैं, ठीक है, एक ऐसा मूल्यांकन जिसके द्वारा हम कमियों का पता लगाते हैं वो एक मूल्यांकन कहलाता है निदानात्मक। और कमियों का पता लगाने के बाद उसे दूर करना वो उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है, वो उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इंग्लिश में इसी को डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। तो कमियों का पता लगाना निदानात्मक, उस कमियों को दूर करना वो उपचारात्मक। रचनात्मक एक ऐसा मूल्यांकन होता है जब हम बच्चों को किसी प्रकार का वर्क देते हैं, जैसे हम बच्चों को होमवर्क दे दिया है ना, हमने बच्चों को एक कोई ना कोई प्रोजेक्ट कार्य दे दिया, तो जब होमवर्क और प्रोजेक्ट कार्य को देकर हम बच्चों के बारे में पता लगाते हैं तो उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। कलेक्टिव इवैल्यूएशन संकलात्मक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जो किसी भी सत्र की समाप्ति पर किया जाता है, किसी भी सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन, समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन वो एक प्रकार का कैसा मूल्यांकन होता है? तो एक प्रकार का वो सतत मूल्यांकन कहलाता है, वो एक प्रकार का संकलात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन अगर आप व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये तीन, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मतलब जानना, भावनात्मक का मतलब भाव ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना, आप इस प्रकार से कह सकते हो, अर्थ ग्रहण करना इसका मतलब होता है जानना। और क्रियात्मक मतलब उस पर परफॉर्मेंस देना, क्रिया करना। तो किस व्यापक मतलब विस्तृत, जब किसी भी ऐसे मूल्यांकन की बात करते हैं जहाँ पर किसी एक पक्ष नहीं बल्कि तीनों पक्षों की जांच पड़ताल की जाती है ना, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों की जांच पड़ताल की जाती है, तो ऐसे मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें एक एक के बारे में, तो सतत मूल्यांकन में सबसे पहला मूल्यांकन हम लोग पढ़े थे, उस मूल्यांकन का नाम है निदानात्मक मूल्यांकन, है ना, अलग अलग पढ़ लो, निदानात्मक एवं उपचारात्मक को एक साथ लिख लो। ठीक, निदानात्मक एवं उपचारात्मक हमने कहा, कमियों का पता लगाना आप ही लिख दो, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जो भी आप कह सकते हो, है ना, तो कमियों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन, कमियों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन, और कमियों का पता लगाने के बाद उसे दूर करना, कमियों का पता लगाने के बाद उसे दूर करना, उसे दूर करना कैसा मूल्यांकन कहलाता है? तो उपचारात्मक मूल्यांकन। कैसा मूल्यांकन? उपचारात्मक मूल्यांकन, ठीक है, उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो कमियों को जानना निदानात्मक और कमियों को दूर करना उपचारात्मक, ठीक है। जैसे पूछा जाए आपके विद्यालय का कोई शिक्षक बच्चों के बारे में ये पता लगाता है कि अभी उसने विषय के बारे में कितना सीखा और क्या कमी रह गई, तो कमियों का जो पता लगाया वो निदानात्मक, और अगर कमी लगाने के बाद जो जो कमी रह गई सीखने में अगर उसे दूर करता है तो एक प्रकार से उपचारात्मक। दूसरा,
दूसरा हमने कहा आपसे पूछता है रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो हमने कहा जब आप बच्चों को ठीक है रचनात्मक मूल्यांकन देखें तो हम कहेंगे कि जब बच्चों को किसी प्रकार का कार्य देकर, कार्य देकर उसके बारे में पता लगाते हैं तो उसे रचनात्मक, ठीक है तो उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे अगर आप बच्चे को होमवर्क देकर या बच्चे को कोई भी कोई प्रोजेक्ट कार्य देकर, एग्जाम्पल के आधार पर ऐसे तमाम चीजें, तो अगर कोई होमवर्क या प्रोजेक्ट देकर ये पता करने लगते हो कि उनका जांच पड़ताल करते हो कि उन्होंने कितना सीखा, क्या कमी रह गई, ठीक है, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो तीसरा है श्रृंखलात्मक, ठीक है श्रृंखलात्मक। अब इसी को कलेक्टिव इवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ये कब किया जाता है तो हम कहते हैं कोई भी उद्देश्य आपने बनाया तो उस उद्देश्य की समाप्ति के बाद, या आप कहते हैं कि विद्यालय में देखें तो संपूर्ण सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन, संपूर्ण की सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन, किया जाने वाला मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन कहलाता है। संपूर्ण सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जब पूरे सत्र की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद जो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो एक प्रकार से वो मूल्यांकन कैसा मूल्यांकन होता है, वो होता है संकलनात्मक। अगर हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व देखें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है दोनों का, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन का क्या क्या महत्व है, अगर इसके बारे में चर्चा करें, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंस हैं इनके, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंस हैं इनके, तो आप देखिए इनके महत्व में अगर देखें तो सबसे पहला महत्व देखिए क्या है। अभी आपने कहा कि निदानात्मक उपचारात्मक होता है, अर्थात आप कह सकते हैं सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षार्थी की कमजोरी की पहचान, योग निदान,
हम ये काम करते हैं, शिक्षार्थी की कमजोरी की पहचान और निदान, ये काम करते हैं पहला। दूसरा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो जितने भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, शैक्षणिक और जितने भी गैर शैक्षणिक, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन, दोनों पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। मतलब आपने कितना सीखा, उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों का पता लगाया, पता लगाया जाता है। एक तो ये, तीसरा देखिए, इन दोनों के अलावा बच्चों का जो अचीवमेंट लेवल है, बच्चों की उपलब्धि स्तर के बनाने में मदद करता है, स्तर में मदद करता है, ठीक है। बच्चों की इतनी अगर देखो फोर्थ, देखो आप छात्रों का जो समस्या समाधान है, छात्रों को जो समस्या समाधान है, छात्रों की जो समस्या समाधान है, उस समस्या के समाधान में क्या करता है, मदद करता है, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्लीट रिसर्च जो बच्चों की समस्या का समाधान होता है उसमें मदद करता है। और आप ये भी कह सकते हैं इसके द्वारा शिक्षण के सही कार्यनीति को बनाने में मदद मिलती है ना, कह सकते हैं इसके द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षण के सही कार्यनीति को बनाने में, नीति को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जिसे कमजोरी की पहचान की जाती है, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों का उपलब्धि स्तर की पहचान, समस्या समाधान में मदद, सही कार्यों को नीत बनाने में मदद, ऐसे बहुत सारे महत्व हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के, है ना। आप ये भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण में मदद, है ना। जब आप सभी पक्षों का जाँच करेंगे तो शारीरिक सामाजिक नैतिक सारे पक्ष आएंगे, तो व्यक्तित्व निर्माण में कहीं ना कहीं मदद मिले, ये भी मिलेगा, ठीक। ये अगर हम इसी को परीक्षा के आधार पर देखें तो मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि छात्र परीक्षा के आधार पर भी, है ना, छात्र मूल्यांकन हेतु आप ये कह सकते हैं, छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा को दो भागों में व्यक्त किया, मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन करने हेतु क्या किया है, परीक्षा को दो भागों में डिवाइड किया, परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया, किया है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन है, तो परीक्षा को दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, जिनमें सबसे पहला है परिणामात्मक मूल्यांकन, है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन के ये दो प्रकार बता दिए गए, परिणामात्मक रिजल्टेंट इवोल्यूशन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, दूसरा
गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, नोट कर ले जल्दी। है ना, अगर आप प्रेरणात्मक मूल्यांकन की बात करें, रिजल्टेंट इवोल्यूशन की बात करें, तो रिजल्टेंट इवोल्यूशन में क्या क्या आता है, रिजल्टेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्रेरणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो आता है मौखिक परीक्षा। किसी भी रिजल्टेंट इवोल्यूशन को करने के लिए हम परीक्षा को दो भागों में बांटते हैं, तो प्रेरणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहला जो परीक्षा आता है वो मौखिक परीक्षा है। हम मौखिक परीक्षा के आधार पर जब कोई मूल्यांकन करते हैं तो ऐसे मूल्यांकन को प्रेरणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जानिएगा, सबसे पहले ये जो मौखिक परीक्षा है, इस मौखिक परीक्षा का जो प्रारंभ किया था, मौखिक परीक्षा का जो प्रारंभ किए थे उनका नाम था ग्लेडाइडस। क्या नाम था? तो ग्लेडाइडस, ग्लेडाइडस। ठीक है, तो इन्होंने प्रारंभ किया था, और मौखिक परीक्षा को आगे बढ़ाने में या उसको महत्वपूर्ण स्थान देने में, आप कहते हैं मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण वैल्यू देने के लिए, महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए कौन आगे बढ़ाया था? तो सुकरात ने कहा था कि मौखिक परीक्षा बच्चों की जाए, ये मूल्यांकन का एक अच्छा तरीका है, ये मूल्यांकन का एक अच्छा तरीका है। और ये मौखिक परीक्षा जो होती है ये हमेशा व्यक्तिगत होती है। ठीक है, व्यक्तिगत। मौखिक परीक्षा के बाद अगर हम देखें तो ये लिखित परीक्षा, ये जो लिखित परीक्षा है, ये लिखित परीक्षा भी कहीं ना कहीं प्रेरणात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देती है, प्रेरणात्मक मूल्यांकन के बारे में बताती है। और उनमें ये सारे प्रश्न आते हैं, एक तो ये ऑब्जेक्टिव वाले जितने प्रश्न आते हैं, ये चार प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं लिखित परीक्षा के अंतर्गत। चार प्रकार के वस्तुनिष्ठ है ना, दूसरा है अति लघुत्तरीय, बेरी सॉर्ट है, ठीक है, तीसरा है लघुत्तरीय सॉर्ट टाइप, बेरी सॉर्ट टाइप, सॉर्ट टाइप, और चौथा कौन सा है? तो आपका दीर्घोत्तरीय निबंधन। ठीक है, ठीक है, दीर्घोत्तरीय निबंधात्मक। तो टोटल इन्होंने चार प्रकार के प्रश्न बनाए हैं जो प्रेरणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।
तीसरा है आपका ये प्रायोगिक परीक्षा। तीसरा कौन सा है? प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है। और इसके अंतर्गत दो प्रयोग आते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें हम किसकी सहायता से पता करते हैं? तो सूत्र की सहायता से पता कर लेते हैं, जैसे कोई सूत्र के द्वारा मूल्यांकन कर लेते हैं, है ना। और साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि इसमें हम उपकरण के द्वारा भी मूल्यांकन कर लेते हैं, ठीक है। वाह में अगर देखें तो इसमें हमेशा बाहरी जीवन से जोड़कर चीजों के बारे में अगर हम वाह में देखें तो जितने भी आप ऐसे कहते हैं कि जीवन से जोड़कर जो ज्ञान और व्यवहार, छात्रों के जीवन से जोड़कर जो कुछ हम सीखते हैं, है ना, तो छात्रों के जीवन से जोड़कर ज्ञान व्यवहार, ठीक है, जोड़कर जो ज्ञान और व्यवहार सीखते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक परीक्षा के वाह आते हैं। इसके बाद अगर देखें प्रायोगिक परीक्षा के बाद तो यहीं पर गुणात्मक मूल्यांकन में देख ले तो गुणात्मक मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी बच्चे का गुणात्मक मूल्यांकन कैसे करते थे? तो इसमें हम क्या बनाते थे? कोई ना कोई जांच सूची तैयार करते थे, एक कोई ना कोई हम जांच सूची और कोई ना कोई एक लेवल का स्टैंडर्ड लेवल तैयार करते थे, एक स्तर मापन तैयार करते थे, एक स्टैंडर्ड पहले से एक मापन तैयार कर लेते थे, पहले से एक एक सूची तैयार कर लेते थे, एक पहले से डाटा प्लान कर लेते थे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो उसमें हम लोग पूछते जाते थे और जिस प्रकार से लोग प्रश्न देते थे वैसे हम लोग करते रहते थे। ठीक है, तीसरा इसमें अगर देखें तो जांच सूची के बाद अवलोकन निरीक्षण के अंतर्गत आता है। ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत हम किसी चीज का ऑब्जर्व करके ये पता कर लेते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं वो गुणात्मक होता है। कोई भी घटना वृत्त की बात करें, है ना, तो ये घटना वृत्त भी एक प्रकार का कैसा मूल्यांकन होता है? तो गुणात्मक, तो जीवन के सार्थक घटना का वर्णन इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी जीवन की सार्थक घटनाएं उन घटना का वर्णन इसमें होता है, ठीक, घटना वृत्ति में। और लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं इंटरव्यू, जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू मेथड है, वो भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं गुणात्मक मूल्यांकन का तरीका है। तो ये थे कहीं ना कहीं मूल्यांकन हेतु तो परीक्षा को कितने भागों में बांटते थे? तो दो भागों में। अगर हमें किसी चीज का मूल्यांकन करना होता तो हम परीक्षा को दो भागों में बांटकर इस प्रकार कर लेते थे, एक परिणात्मक मूल्यांकन, दूसरा गुणात्मक। तो परिणात्मक मूल्यांकन पता करने के लिए मौखिक परीक्षाएं ले लेते थे, लिखित परीक्षा, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और ये प्रायोगिक जितने भी वाइबा वाले हैं, है ना, वाइबा टेस्ट हैं, वो वाले प्रायोगिक परीक्षा हम लेते थे, ठीक। तो मौखिक परीक्षा में मैंने कहा कि प्रारंभ किसने किया? ग्लेडाइडस ने किया, लेकिन इसको महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया मूल्यांकन के क्षेत्र में? तो उसे सुकरात ने दिया।
और एक प्रकार का ये व्यक्तिगत है, इंडिविजुअली है, सबका इंडिविजुअली हम लोग करते हैं। लिखित परीक्षा के चार प्रकार होते हैं जिसमें हम चार प्रकार से बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख के, वेरी सॉल्व टाइप, सॉल्व टाइप एंड लॉन्ग टाइप, ये चार प्रकार के प्रश्न। अगर हम बात करें प्रायोगिक परीक्षा में तो इसमें दो इंटरनल और एक्सटर्नल आते हैं। इंटरनल में सूत्र और उपकरण इनका प्रयोग करते हैं, वाह्य में बच्चों की घर से जोड़ते हुए, जीवन से जोड़ते हुए ज्ञान के बारे में हम बताते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन में हम पहले से कोई ना कोई एक डाटा सीट बना के रखते थे, एक सूची बना के रखते थे, उसके द्वारा या फिर हम कोई लेबल का स्टैंडर्ड ठीक है वो ऑब्जर्वेशन निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण के द्वारा घटना वृत्ति जीवन के सार्थक घटना के द्वारा, इंटरव्यू इंटरव्यू के द्वारा, इसके द्वारा हम पता करते थे ठीक है, ये हम लोग करते थे। इसी प्रकार हम समय समय पर मूल्यांकन को और बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रकार के नवाचार करते चले गए ना, तो एक हेडिंग बना लेते हैं, एक नवाचार की ओर पढ़ते हैं, मूल्यांकन के नवाचार। ठीक है, मूल्यांकन के नवाचार। ठीक है, तो कौन कौन सी इन्वेंशन एंड इवोल्यूशन, कौन कौन सी इन्वेंशन, कौन कौन सी इन्वेंशन हुई, मूल्यांकन में नवाचार अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं समय एवं आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन में तमाम नए नए तरीके आए। आप कह सकते हैं समय एवं आवश्यकता के अनुसार, के अनुसार मूल्यांकन के नए नए तरीके आए। नए नए तरीके आए जिसमें मुख्यतः ये दो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो किसके अकॉर्डिंग हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मिचेल स्क्रीवेन, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, ऐसा लिखो, नए नए इन्वेंशन आए जैसे करके हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे करके इसको लिखेंगे, जैसे 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 एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है मिचेल स्क्रीवेन, मिचेल स्क्रीवेन। ठीक है, ठीक, इन्होंने कब, कब दिया, कब ये इन्होंने दे दिया, कब इन्होंने मिचेल स्क्रीवेन ने कब, तो इन्होंने हम कह सकते हैं इन्होंने किस समय, तो 1967 में, 1967 में मूल्यांकन पे, मूल्यांकन को दो भागों में बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है, तो सबसे पहला आता है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा कौन सा आता है, तो योगात्मक।
संरचनात्मक कॉन्स्ट्रक्टिव इवोल्यूशन और इसको बोलते हैं कलेक्टिव इवोल्यूशन योगात्मक, इसी को संरचनात्मक, इसी को हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक ठीक, और इसी को होते हैं अंकलित। जब आप कोई अल्प निर्णय के लिए कोई मूल्यांकन करते हैं अल्प निर्णय के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन, रचनात्मक दीर्घकालिक कौन सा होता है? दीर्घकालिक निर्णय के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन वो कैसा तो, वो कैसा तो योगात्मक ठीक है, वो कैसा तो योगात्मक। जब आप अल्पकालीन निर्णय के लिए थोड़े से समय के लिए किसी भी चीजों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो उसे रचनात्मक, जब आप थोड़े से समय दीर्घ के लिए जब आप कोई मूल्यांकन करते हैं तो कहलाता है क्या आपका योगात्मक ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों के प्रकार के बारे में बताया गया है कि प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो उसमें हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो हम उसमें आपको ऐसे तमाम प्रकार बताएंगे कि प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर एक मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है, तीसरा प्रायोगिक होता है, जैसे मैंने बताया था अभी कि जो आपने परिणामात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत पढ़ा था मौखिक प्रश्न को, है ना। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी जानना है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लिखित प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रायोगिक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं ठीक है। तो यहाँ पर लिखित प्रश्न के अंतर्गत देखो कितने प्रकार के मुख्यतः प्रश्न आते हैं, तो लिखित के अंतर्गत एक निबंधनात्मक और दूसरा अगर देखो तो आपका आता है क्या वस्तुनिष्ठ। यहाँ पर लिखित में निबंधनात्मक और वस्तुनिष्ठ दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब इस निबंधनात्मक प्रश्न के अंतर्गत ये लघु उत्तरी, ये दीर्घ उत्तरी, ये सारे प्रश्न है ना, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जो भी शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम प्रश्न आते हैं ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ में तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे आप कहते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले, आप कहते हो ट्रू फॉल्स वाले, आप कहते हो मैचिंग वाले, मिलान वाले, आप कहते हो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले, है ना, ऑब्जेक्टिव वाले जो चार ऑप्शन देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले ये प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ में अगर आप देखो तो इसको भी दो भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं, जितने भी पूर्ति प्रश्न होते हैं और चयन प्रश्न, कहीं कहीं इस प्रकार से इसको बांटते हैं, कहीं कहीं पर इसको इस तरह से ना लिख के, कहीं पर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं इसको पूर्ति प्रश्न बोलते हैं और चयन प्रश्न बोलते हैं, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सही कौन गलत कौन उचित कौन अनुचित ये सब ना। तो इसमें भी पूर्ति वाले में दो, जैसे कुछ लिखा हो उसको छांट के लिखना हो तो उसको बोलते हैं प्रत्याकरण प्रश्न ठीक है, और एक तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो गया ठीक। ये दोनों इसके अंदर कहीं कहीं इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं ठीक। तो ये रात लिखित, इसके बारे में और डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि मौखिक प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं, लिखित प्रश्न में ये सारे प्रश्न कैसे होते हैं, है ना, निबंधनात्मक प्रश्न किसे बोलते हैं, लघु उत्तरियों में कितने शब्दों में लिखते हैं प्रश्न, दीर्घ उत्तरियों में कितने शब्दों में प्रश्न लिखते हैं, वस्तुनिष्ठ में पूर्ति वाले प्रश्न कौन है, चयन वाले प्रश्न कौन है, प्रत्याकरण प्रश्न कौन से होते हैं, है ना, ये सब चर्चा हम लोग अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेते हैं विदा यहीं पर। आप लोग एक बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।